हाय एवरीवन एंड वेलकम टू वरदास पूरी किचन। आज मैं आपके साथ बहुत ही खस्ता खजूरी बनाने की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, बिना अंडे और बिना बेकिंग सोडे के। बहुत ही बेहतरीन बनके तैयार होती है, बहुत ही आसान सी रेसिपी है। तो चलिए देखते हैं ये बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। खजूरी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है 1 कप मैदा, आधा कप रवा, आधा कप पिसी हुई शुगर है ये, 1/2 टीस्पून कार्डमम पाउडर, पिंच ऑफ सॉल्ट, 2 से 3 टेबलस्पून हमको ज़रूरत है घी की, और आटा गूंदने के हिसाब से यहाँ पर मैंने लिया है मिल्क। तो मिल्क को हम कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं और बनाते हैं बहुत ही टेस्टी खजूरी। यहाँ पर मैंने एक मिक्सिंग बाउल ले लिया है। अब सारी ही चीज़ों को 1 by 1 करके इसमें ऐड करते जाएंगे। सबसे पहले ऐड करेंगे मैदा, रवा, पाउडर शुगर, सॉल्ट एंड कार्डमम पाउडर और घी ऐड करेंगे थोड़ा, 2 से 3 टेबलस्पून, और मिल्क ऐड करके इसका सॉफ्ट डो बना कर लेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने आटा गूंद के तैयार कर लिया है। ये कितना सॉफ्ट है आटा, इतना सॉफ्ट ही रखना है आटा, क्योंकि हमने इसमें सूजी का इस्तेमाल किए है। सूजी थोड़े टाइम के बाद में यहाँ पर अभी फूल जाएगी, और सूजी का फूलना ज़रूरी है क्योंकि हमने ना इसमें कोई अंडा इस्तेमाल किए है और ना ही कोई बेकिंग सोडा वगैरह का इस्तेमाल किया है हमने इसमें। तो बाद में अगर ये सूजी स्टार्टिंग में अगर ये नहीं फूलती अच्छे से, तो फिर ये बाद में हार्ड बन के तैयार होगी हमारी खजूरी। तो चलिए आधे घंटे के लिए इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, और आधे घंटे के बाद हम इसको चेक करेंगे। आटा गूंदे हुए आधा घंटा हो गया है, तो अब चेक करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं आटा थोड़ा सा फूल गया है। तो चलिए अब इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं पहले, और फिर इसके वो बेल लेंगे हम। जिस तरह से हम रोटी बेलते हैं उसी तरह से इसको बेल लेना है। मैंने इसको अच्छे से गूंद लिया है, आप देख सकते हैं एकदम आटा एकदम परफेक्ट बन के तैयार हो गया है। ये सूजी जो है अच्छे से फूल गई है। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा लिया है खसखस, खसखस जो है वो टोटली ऑप्शनल है, और बेलने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे थोड़ा सूखा आटा। तो चलिए सबसे पहले अभी इसको बेल लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने आटे के 2 हिस्से कर लिए थे, 1 हिस्से की मैंने यहाँ पर रोटी बना दी है। आप देख सकते हैं रोटी जो है इतनी मोटी होना चाहिए, इसकी थिकनिंग इतनी होनी चाहिए। अब इसमें यहाँ पर ऊपर से हम थोड़े से खसखस जो है यहाँ पर ऐड कर लेते हैं, ऊपर से स्प्रिंकल कर देंगे। और इसको हल्का हल्का ना रोलिंग पिन की मदद से इसको ऐसा दबा लेना है, ताकि इसमें चिपक जाए। अब इसको कट कर लेते हैं, डायमंड शेप में इसको कट कर लेंगे। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने इसको डायमंड शेप में कट कर लिया है। टुकड़े जो है वो आप अपने हिसाब से छोटे या बड़े कर सकते हैं। साइड के एजेस मैंने यहाँ पर निकाल ली है। तो चलिए सबसे पहले आप इसको फ्राई कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने ऑलरेडी तेल गरम होने के लिए रख दिया है, तेल थोड़ा गरम हो गया है। 1 by 1 करके यहाँ पर ये ऐड करते जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने इसमें ऐड कर लिया है, और ये फूल कर ऊपर आ गया है। हल्के हाथों से इसको चलाते रहना है। फ्लेम जो है वो हाई नहीं करना है, मीडियम फ्लेम पर ही इसको कुक करना है। दोनों साइड से इसको अच्छे से गोल्डन ब्राउन कर लेंगे हम, अलग पलट करते हुए इसको गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। ओवर क्राउड नहीं करना है, थोड़ा थोड़ा करके ही फ्राई करना है इसको। यहाँ पर आप देख सकते हैं कितने अच्छे से ये इसको कलर आ गया है। ये इसको यहाँ से निकाल लेते हैं। आप देख सकते हैं इसकी थिकनिंग का अंदाज़ा आपको यहाँ से हो रहा होगा, कितने थिक है ये। इसको यहाँ से निकाल लेंगे। इसी तरह से हम सारे बनाकर आपको दिखाते हैं। यहाँ पर ये खजूरी बनके तैयार हो गई है। आप देख सकते हैं ये इतना थिक रहना चाहिए। तो चलिए अब इसको सर्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसको सर्व कर लिया है, ये बिना अंडे और बिना बेकिंग सोडे के ये बहुत ही खस्ता खजूरी बनके तैयार हो गई है। आप इसको चाय के साथ में रिलीज कर सकते हैं, या फिर
छोटे बच्चों को टिफिन में देने के लिए भी बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। तो चलिए फिर, आपको अगर रेसिपी अच्छी लगी हो तो आप ज़रूर ट्राई करना। सो इफ़ यू लाइक माई रेसिपी एंड द वे आई कुक, देन टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय।